हेलो गाइस, आप सब नया तरीका से कस्टम कैसे बना सकते हो इस वीडियो में आपको हम बताने वाला हूं। 2024 में अगर आप सब फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स या आने वाला समय में फ्री फायर इंडिया भी गेम खेलोगे, ठीक है, तो आप लोग कस्टम कैसे बना पाओगे ए टू जेड हम क्लियर करेंगे। एंड आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूज है कि अनलिमिटेड ग्लूवल कैसे जमाएंगे, अनलिमिटेड एमओ कैसे होगा, जो भी कंफ्यूज है, पूरा यूट्यूब पर आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा जो मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं कि आप सब कस्टम को कैसे एकदम 2024 में नया तरीका से क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि आपको पता, आपका भाई जो भी वीडियो अपलोड करता है गिरिंग गेमर चैनल पे 100% रियल करता है। अगर आप लोग के पास टाइम हो, अगर आप सब मेरा ओल्ड ऑडियंस हो, तो भाई मुझे पता आप सब वीडियो को पूरा देखोगे बिना स्किप किए। अगर आप सब नए हो, सर्च करके आए हो, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आप लोग एक वीडियो बनाने में गाइस 3 से 4 से 5 आवर लग जाता है, दिन भर लग जाता है। लेकिन मेरे भाई आप लोग दिन भर गेम में बर्बाद कर देते हो बहुत सारा समय। अगर इस वीडियो में सिर्फ 10 से 12 मिनट समय दे दोगे तो भाई आप लोग कस्टम बनाने के लिए पूरा डेडिकेट के साथ समझ जाओगे अनलिमिटेड ग्लूवल, मतलब जो भी कस्टम में प्रॉब्लम होता है 2024 में नया तरीका से पूरा सीख जाओगे। चलो गाइस, बिना बकवासी के हम आपको समझाते हैं आप लोग नए तरीका से कस्टम को कैसे येलो वाला मतलब पीला वाला कस्टम बना सकते हो। कस्टम के बारे में एक एक चीज तक बताऊंगा। पहले देखो यहाँ पर मेरे भाई, कस्टम यहाँ पर है ना, आपको यहाँ पर 7 डेज के लिए भी मिल सकता है, 24 आवर के लिए भी मिल सकता है, 12 डेज के लिए भी मिल सकता है, या आप लोग के पास स्पेशल एक परमानेंट कस्टम होगा, ठीक है, येल्लो वाला। अब देखो भाई, आप लोग कस्टम के पास पहले कैसे पहुंचोगे, मतलब जो न्यू बंदे होंगे या ओल्ड बंदे होंगे, सारा प्रोसेस होने वाला है ए टू जेड। इसीलिए बोला भाई, देखो वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, अगर आप थोड़ा सा वीडियो टाइम दे दोगे भाई पूरा डेडिकेट साथ समझने वाले हो। कुछ नहीं करना है यहां पर, आप सबको देखो यहां पर क्लिक करना है, जो जानता है भाई अच्छी बात है, जो नहीं जानता है भाई वो लोग आराम से देखो। यहां पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर कस्टम देखने को मिलता है, कस्टम पर यहां पर क्लिक करोगे, कस्टम पर क्लिक करके यहां पर क्विक ज्वाइन, मतलब अगर इस पर क्लिक करोगे ना ऑटोमेटिक किसी के कस्टम में चले जाओगे जिसमें पासवर्ड नहीं लगाता है। यहां पर एक क्रिएट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो गाइस आपको अगर दोस्त बोलेगा तो आपको यहां पर दो कस्टम देखने को मिलेगा, एक गिल्ड वाला कस्टम जो गाइस ओनली आप गिल्ड वाले मेंबर के साथ खेल सकते हो। मैं इस पर भी यहां पर वीडियो बना दिया हूं, अगर देखना है तो आप लोग यहां पर सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गिल्ड वाला कस्टम कैसे बनाया जाता है। लेकिन मेरे भाई आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में येलो वाला कस्टम कैसे बनाते हो, तो आप लोग को यहां पर भी येलो वाला कस्टम होना चाहिए आप लोग के पास 10 आवर के लिए, या आप लोग के पास परमानेंट कस्टम। होने के बाद आपको सीधा कुछ नहीं करना, यहां पर क्रिएट का ऑप्शन आता है, यहां पर सीधा क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहां पर 3 सेक्शन देखने को मिलता है, जो गाइस बहुत सारे यूट्यूबर शॉर्ट में बताते हैं, लेकिन यहां पर मैं फुल प्रोसेस बताऊंगा, इसलिए मैंने बताया कि वीडियो को स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो भाई इसमें मेरा क्या लोगे, रूम के बारे में बताने वाला हूं, गेम के बारे में यहां पर बताने वाला हूं, साथ में यहां पर ऑब्जर्व के बारे में बताने वाला हूं, साथ में ये एडवांस सेटिंग क्या है इसके बारे में भी हम यहां पर डिटेल के साथ बात करेंगे। रूम में देखो, एक्चुअल में देखो यहां पर रूम नेम, अगर आप सब यहां पर यूट्यूबर हो या अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो, यहां पर जैसे मैं यहां पर आप नाम भी लिख सकते हो, नहीं तो भाई आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। यहां पर पासवर्ड, अगर आप फ्रेंडशिप वाला यहां पर कस्टम खेल रहे हो तो आपको यहां पर 1, 2, 3 या जो भी आप चाहो अपने मन से यहां पर पासवर्ड दे सकते हो, लेकिन आपको यहां पर नंबर में पासवर्ड देना है। जैसे मैंने यहां पर क्या कर दिया, 1, 2, 3, 4 पासवर्ड दे दिया। उसके बाद क्या है यहां पर गेम मोड, अब आपको यहां पर कौन सा गेम खेलना है, क्लास स्क्वाड खेलना है या बैटल रॉयल खेलना है या यहां पर बॉम्बो स्क्वाड खेलना है या अगर आप लोग को लॉन वुल्फ खेलना है, आप लोग को जो भी यहां पर से मोड खेलना है यहां पर से मोड को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मुझे क्लास स्क्वाड खेलना है, क्लास स्क्वाड सिलेक्ट कर लिया। अगर आपको यहां पर बीआर फुल मैप खेलना है तो यहां पर आपको बीआर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मुझे क्लास स्क्वाड सिलेक्ट करना है तो मैं यहां पर क्लास स्क्वाड सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद अब आपको यहां पर मैप यहां पर लगाना है। अब आपको इसमें से मैप बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाता है, जैसे यहां पर बरमूडा, नेक्स्ट्रा, अल्पाइन, इसी तरह आपको यहां पर बहुत सारा यहां पर मैप देखने को मिलने वाला है। जो भी आपको यहां पर मैप को खेलना चाहते हो उस मैप पर यहां पर क्लिक करके कर सकते हो। जैसे मुझे नेक्स्ट्रा मैप खेलना है तो मैंने नेक्स्ट्रा मैप पर क्लिक किया, जैसे मुझे बरमूडा मैप खेलना है तो मैंने बरमूडा मैप पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर टीम कोड मतलब मोड देखने को मिलता होगा, आप कौन सा यहां पर मोड खेलना चाहते हो, सोलो खेलना चाहते हो, ड्यू खेलना चाहते हो, स्क्वाड खेलना चाहते हो, 6v6 खेलना चाहते हो। मैं तो आपको बोलूंगा कि अगर आप लोग यहां पर 6v6 ही सिलेक्ट कर लेना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें आप 1v1 कर सकते हो, 2v2 कर सकते हो, 3v3 कर सकते हो, 4v4 कर सकते हो, 5v5 कर सकते हो, साथ में 6v6 भी कर सकते हो। इसलिए मेरे भाई आप लोग यहां पर से 6v6 कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको यहां पर प्लेयर आप लोग को यहां पर जितना है तो उसमें भाई कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि
यहाँ पर क्लियर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। एंड यहाँ पर अब देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर मतलब सेपी स्टेटर, इसका मतलब ये होता है कि कितना बंदे आपको देखना चाहेगा, मतलब आप लोग देखने के लिए भी यहाँ पर बंदे को रख सकते हो, मतलब वो गेम नहीं खेलेगा, ओनली आपका गेम प्ले यहाँ पर सी कर सकता है। तो चलो मेरे भाई इसको मैं छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, आप सब भी यहाँ पर नहीं करना, मेन होता है भाई इसका यहाँ पर पासवर्ड लगाना, गेम मोड एंड ये, एंड यहाँ पर से आपको टीम मोड सेलेक्ट करना, उसके अलावा आप लोग को यहाँ पर सिंपल छोड़ देना है। एंड आपको लेबल, लेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप सब यहाँ पर लेबल सेलेक्ट कर लेते हो, अगर आप लोग रैंडमली खेलना चाहते हो जैसे यहाँ पर पासवर्ड नहीं लगाते हो, वहाँ पर लेबल के हिसाब से यहाँ पर बंदे आ जाते हैं। चलो मैं यहाँ पर 40 लेबल कर देता हूँ। इसके ये होता है कि आपका जैसे 50 लेबल है तो जो भी मतलब जैसे मैंने 40 लेबल सेलेक्ट किया, 40 लेबल के नीचे जितने सारे बंदे हैं वे मेरे मतलब कस्टम में नहीं आ पाएंगे, इसका यही कारण होता है। अब यहाँ पर रूम टाइप, रूम टाइप में आपको यहाँ पर रेगुलर कस्टम या गिल्ड कस्टम, तो आपको यहाँ पर सीधा येल्लो कस्टम खेलना है मेरे भाई, येल्लो कस्टम यहाँ पर लगा लेना है। एंड अब यहाँ पर हम गेम में आ जाते हैं, गेम में आपको यहाँ पर बहुत सारा सेक्शन देखने को मिलता है। नॉर्मली आपको यहाँ पर रैंडम स्टोरी सेलेक्ट कर लेना है, ये भी कर सकते हो कंपेटेटिव स्टोर, लेकिन मैं तो आपको बोलूंगा यहाँ पर रैंडम ही स्टोर कर लेना। इस पर आपको ऑटोमेटिक गरीना की तरफ से गन मिलेगा जो मतलब एक्चुअल में क्लास स्क्वाड में रहता है। अब देखो यहाँ पर मेन स्टेप, यहाँ पर राउंड, राउंड आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको राउंड यहाँ पर आप लोग को अगर आप लोग मतलब ज्यादा खेलना चाहते हो तो यहाँ पर 13 कर देना है, 13 अगर करोगे तो 7-7 राउंड आगे हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्वाइन, क्वाइन भी हमेशा आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है, जिसके द्वारा आप लोग ज्यादा यहाँ पर अच्छा से अच्छा गन ले पाओगे। फिर इसको आपको नो ही रहने देना है, ठीक है मेरे भाई। साइबर एयर ड्रॉप को भी आपको क्या कर देना है, नो कर देना है, जिसके द्वारा यहाँ पर एयर ड्रॉप यहाँ पर गिरेगा ही नहीं, अच्छा बात है। एंड यहाँ पर एचपी, एचपी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, आपका मन है, यहाँ पर से एचपी भी आप छेड़छाड़ कर सकते हो। बहुत लोग देखते हो कॉमेडी वाला कस्टम बनाता है या कुछ मनोरंजन, तो यहाँ पर कस्टम में छेड़छाड़ यहाँ पर कर सकते हो एचपी में, जिसके द्वारा बेकार भी हो जाता है, इसलिए छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अब आप पर डिपेंड करता है चेहरोगे कि नहीं करोगे। ईपी भी नॉर्मल रहने देता हूँ, और हाई जंप भी मैं नॉर्मल रहने देता हूँ, और मूवमेंट स्पीड भी मैं नॉर्मल कर रहने देता हूँ, जैसे मैं नॉर्मल मुझे कस्टम खेलना है। एंड अब इसके नीचे देखो मेन, अब अनलिमिटेड एमओ कैसे होता है, ग्लोबल में या मतलब अनलिमिटेड, तो देखो मेरे भाई ये जो लिमिटेड एमओ है इसी को आप लोग यहाँ पर यस, यस नहीं रखना है, नो करना है। यस रखोगे तो वे अनलिमिटेड नहीं होगा, ग्लोबल भी अनलिमिटेड नहीं होगा, एमओ भी अनलिमिटेड नहीं होगा, और कुछ भी अनलिमिटेड नहीं होगा, इसलिए मेरे भाई इसको हमेशा क्या करना है, नो करना है, जिसके द्वारा ग्लोबल भी अनलिमिटेड रहेगा। एंड बार बार आप यहाँ पर जमा पाओगे भी, लाइव टेस्ट भी दिखाएंगे। और यहाँ पर इन्वायरमेंट में आपको यहाँ पर डे नाइट, आपको नाइट जैसा गेम खेलना है या डे जैसा, तो मेरे भाई इसको बस चेंज करना, डे जैसा ही बढ़िया है। फुल डैमेज को आपको यस ही रहने देना है। एयर ड्रॉप, एयर ड्रॉप आपको चाहिए ना चाहिए, भाई मेरे को नहीं चाहिए एयर ड्रॉप, गेम में पूरी तरह भाई कस्टम बेकार कर देगा। एयर ड्रॉप आएगा तो उसको अच्छा लूट मिल जाएगा, मतलब जैसे गन ले लेगा एयर ड्रॉप से या लेवल 4 का वेस्ट ले जाएगा, इसलिए मेरे भाई इसको नो ही रखना। तो ये सबको यहाँ पर छेड़छाड़ मत करना। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, यहाँ पर कैरेक्टर स्किल, इसे हमेशा आपको यस या नो रखना है, ये आप पर डिपेंड करता है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि कैरेक्टर स्किल अगर आप सब यहाँ पर नहीं रखना चाहते हो कस्टम में, मतलब चाहते हो कि आगे वाला भी बंदा कैरेक्टर स्किल को यूज ना कर पाए, हम भी कैरेक्टर स्किल को ना यूज कर पाए, तो इसे आपको क्या कर देना है, नो कर देना है, जिसके द्वारा वे कैरेक्टर स्किल को यूज नहीं कर पाएगा। एंड ये नॉर्मल मतलब कैरेक्टर स्किल बंद हो जाएगा, समझ लो। चलो मैं कैरेक्टर स्किल रहने देता हूँ। एक और यहाँ पर गन एट्रीब्यूट, मतलब इसका ये होता है कि ये गन स्किल, जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कोबरा MP40 है, एंड नेक्स्ट वाले बंदे के पास भी कोबरा MP40 है, तगड़ा तगड़ा गन है, एंड आपके पास कुछ भी नहीं है, आप मतलब मेरी तरह भाई मतलब भिकमंगे हो, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास भी गन उन कुछ नहीं है, मैं भी भाई डायमंड इधर उधर मांगते रहता हूँ, मतलब मेरे जैसा हो आप सब, ठीक है। तो भाई इसको क्या कर देना है, नो कर देना है, जिसके द्वारा भाई उसका कोई गन का काम नहीं होगा, बस दिखने का उसका MP40 होगा लेकिन कोई काम का नहीं होगा, समझ रहे हो भाई, दिल पे मत लेना इस बात को। चलो भाई यहाँ पर इसके बारे में मैंने समझाया, समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया। देखो मेरे भाई यहाँ पर ये लोड आउट क्या है, बहुत लोग आप देखते हो गेम में बर्न फायर जमाता है कस्टम में, तो अगर आप वही होता है बर्न फायर लोड आउट को बर्न फायर या एयर ड्रॉप ले लेता है, तो मेरे भाई अगर आप लोग चाहते हो कि बर्न फायर कस्टम में यूज ना कर पाए, तो मेरे भाई इसे आप लोग को नो कर देना है। देखो भाई इतना डेडिकेटेड सर को कोई नहीं समझाएगा फटाफट को, एक बार ही समझने में टाइम लगेगा, उसके बाद आप तुरंत यहाँ पर कस्टम बना लोगे, बहुत ही आसान है, 2-3 जगह बस चेंज करना पड़ता है। मेन ये हो गया, लिमिटेड अमाउंट नो हो गया, और चाउट लेड आउट में आप लोग यहाँ पर नो कर सकते हो, जिसके द्वारा यहाँ पर बर्न फायर गेम में यूज नहीं कर पाएगा। बार बार देखते हो मारते हो आप बर्न फायर धोखा से नहीं ले गए, तो वे वाला बर्न फायर लिया है, एंड एचपी बढ़ाते जाता है, इससे बड़े इससे
भी नो ही कर दो, अब आपकी मर्जी है, यहाँ पर रखना चाहते हो तो यस, नहीं तो, क्योंकि पहले से यस ही आता है तो मैं यहाँ पर नो किया। अब देखो भाई, अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ये प्रीसेंट एम को यहाँ पर छूना नहीं है। अगर आप लोग इसे यहाँ पर नो कर देते हो धोखा से, तो आपकी जो एम होती है ना मेरे भाई, चिपकेगा नहीं। मतलब आप उनको मारोगे चिपकेगा नहीं, वे मारेगा तो आपके ऊपर चिपकेगा नहीं। इसलिए हमेशा आपको यस ही रह देना, मतलब ये सबको छेड़छाड़ नहीं करना है। इंपॉर्टेंट बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ छेड़छाड़ करना है। आपको राउंड बढ़ा देना है, यहाँ पर डिफॉल्ट क्वाइन बढ़ा देना है, मैंने ये सब के बारे में समझाया, और इधर आपको कहीं छेड़छाड़ नहीं करना है। अनलिमिटेड एमओ को आपको यहाँ पर नो कर देना है, जिसके वजह से ग्लोबल अनलिमिटेड हो जाएगा। एयर ड्रॉप को नो कर देना है अगर आप लोग चाहते हो, नहीं चाहते हो। एंड कैरेक्टर स्किल पर आप पर डिपेंड करना है क्या रखना है, ये सब मेन हो गया, और गन स्किन पर मेन हो गया, और ये बस इतने सा मेन है, और किधर इधर कहीं छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। ये करने के बाद देखो भाई, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप यहां पर से डायरेक्ट कंफर्म करके यहां पर कस्टम को बना सकते हो। यस मेरे भाई, डायरेक्ट यहां पर कस्टम को बना सकते हो। नॉर्मली आप यहां पर कस्टम को खेल सकते हो, जैसे मैं यहां पर कंफर्म करूंगा तो मैं नॉर्मली कस्टम खेल सकता हूं। लेकिन मेरे भाई, अभी मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं। जैसे आप लोग क्लास स्क्वाड नॉर्मल खेलते हो ना, अनलिमिटेड होता है तो आप लोग खेल सकते हो। जैसे अभी मैं क्या करता हूं, यहां पर कंफर्म हूं, अनलिमिटेड हो गया। अब मेरे भाई मैं चाहूंगा यहां पर किसी को भी बुलाकर यहां पर नॉर्मली कस्टम को स्टार्ट कर सकता हूं। लेकिन मेरे भाई मैं आपको एक चीज और यहां पर समझाने वाला हूं। क्या समझाने वाला हूं मेरे भाई, अभी आपको पूरा समझ में आएगा। अभी मैं यहां पर से कस्टम को कर देता हूं कट, क्योंकि भाई यहां पर अनलिमिटेड है, आप लोग नॉर्मल कस्टम बनाने सीख गए। अब मैं आपको एडवांस सेटिंग के बारे में बताता हूं। मैंने कस्टम कर दिया बर्बाद, क्योंकि अनलिमिटेड भाई बर्बाद भी कर दूंगा मेरा क्या घंटा जाएगा कुछ। यहां पर देखो मेरे भाई, अब मैं आपको एक चीज और समझाने का प्रयास। जैसे मैंने क्रिएट पर क्लिक किया, यहां पर मैं चलो 1 2 3 4 पासवर्ड स्पीड से डाल देता हूं। अब देखो भाई, क्लास स्क्वाड खेलना है, क्लास स्क्वाड यहां पर आपको 6v6 मेरे करना है, और यहां पर कुछ भी नहीं करना है, पीला कस्टम है ही। यहां पर लेवल बस कर देता हूं 20, ठीक है, जो भी आपको लेवल सिलेक्ट आपके हिसाब से करना है। एंड गेम पर जाना है, यहां पर राउंड आपको यहां पर 13 कर देना है, और क्वाइन यहां पर इतना कर देता है। यहां पर अनलिमिटेड आपको यहां पर नो कर देना है। स्पीड से देखो अभी मैं कर रहा हूं कुछ नहीं, एयर ड्रॉप में नो कर देता हूं। करेक्टर स्किल मेरे को नहीं रखना है, मैं नो कर देता हूं। गन एफिट मेरे को नहीं रखना है, यहां पर मैं नो कर देता हूं। एंड यहां पर लोड आउट को मेरे को नहीं रखना है, यहां पर नो कर देता हूं, क्योंकि मुझे ये सब नहीं, मुझे नॉर्मल कस्टम खेलना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा आपको यहां पर एडवांस पर यहां पर आ जाना है। एडवांस सेटिंग पर आपको क्या कर देना है, यहां पर से ऑन कर देना है। इसका ये फायदा होगा, ओनली आपको डेजर्ट ईगल के, उस बंदे के पास भी डेजर्ट ईगल रहे, आपके पास भी डेजर्ट ईगल रहे, मतलब ओनली डेजर्ट ईगल ही आए कस्टम है, उसके अलावा कोई भी गन नहीं। आप लोग को वो AWM ओनली करना है, तो उस बंदे के पास ओनली AWM ही रहे, ग्रेनेड ना रहे, ओनली आपके पास AWM रहे, उसके पास MP40 रहे तो आपके पास भी MP40 रहे, या आपको चार ही गन रखना है कस्टम में, मतलब कस्टम में चार ही गन होना चाहिए। इसलिए यहां पर एडवांस सेटिंग का यहां पर काम होता है, कि आप लोग चाहो तो चार कस्टम, मतलब जो अपने मन से रखोगे वही चीज होगा एडवांस सेटिंग में। इसलिए मेरे भाई ऊपर आपको सेटिंग कर देना, उसके बाद एडवांस सेटिंग में आपको ऑन कर देना है। उस तरह मैंने आपको नॉर्मल कस्टम बनाने सिखा दिया। ज्यादा लगभग यहां पर 90% बंदे एडवांस सेटिंग वाला ही कस्टम खेलते हैं। क्यों खेलते हैं, क्योंकि मेरे भाई यहां पर ज्यादा डेजर्ट ईगल से मतलब करते हैं, या MP40s करते हैं, अपने मन से यहां पर ग्रेनेड सब रिमूव कर देते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने इसे अभी ओके कर दिया, ओके करने के बाद अभी देखो मेरे भाई, अब आपको यहां पर पहले फोकस करना है, आपको यहां पर इकोनॉमी पर यहां पर क्लिक करना है, यहां पर आपको राउंड यहां पर बढ़ाना पड़ेगा। 13 राउंड करोगे तो 7v7 हो जाएगा, अगर आप सब यहां पर 15 राउंड कर दोगे 8v8 राउंड हो जाएगा, तो मैं 8v8 कर देता हूं मेरे भाई। अब देखो यहां पर राउंड का क्या होता है, कि आपको क्वाइन बढ़ा देना है, इकोनॉमी पर क्लिक करके यहां पर राउंड का रेट बढ़ा देना है। जैसे मेरे भाई ये सब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इंक्रीज कर रहा हूं, इतना डेडिकेट के साथ आपको पूरा यूट्यूब पर नहीं समझाने वाला मेरे भाई, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। एक बार बस वीडियो देखो, उसके बाद सोचने वाली बात, ये सब बस बढ़ा दोगे मेरे भाई तो क्वाइन में देखो आप सबको यहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी। बढ़ाने के बाद अब आपको यहां पर क्या करना है, स्टोर पर क्लिक करना है। स्टोर पर क्लिक करने के बाद है ना मेरे भाई, अब देखो यहां पर, अब आपको यहां पर गन कौन कौन सा रखना है। जैसे ओनली मेरे को ये सब गन हटाना है, ओनली मुझे डेजर्ट ईगल रखना है, तो ये सबको मैं गन से क्या करता हूं, टीक हटा देता हूं, ये भी डेजर्ट ईगल बस रखना है। तो जैसे मैं यहां पर डेजर्ट ईगल रख लिया, डेजर्ट ईगल रखूंगा देखो अपने मन से, जैसे फिर मैं नीचे क्लिक करता हूं, जैसे मैं M4A1 नहीं रखूंगा, तो यहां पर से टीक से हटाया। साथ में आप इसमें रेट कम बेस भी कर सकते हो, जैसे मैं डेजर्ट ईगल का यहां पर क्या कर देता हूं, 150 रुपए रखूंगा, ठीक है 150 रुपए देगा ये वाला, मैंने यहां पर रेट रख दिया। P90 मेरे को हटाना है तो मैं P99 यहां पर हटा दिया। अब मुझे UMP रखना है तो मैंने UMP रख दिया, और इसका भी मैं रेट यहां पर डिसाइड कर दिया। मेरे को यहां पर किंगफिशर हटाना है, MP5 हटाना है, MP5 हटा दिया, फिर मैं नीचे आऊंगा। इसी तरह मैं ये सब भी यहां पर गन हटा दूंगा, वेक्टर M4A1 ओनली मैंने कौन कौन रखा, UMP रखा, डेजर्ट ईगल रखा। इस तरह आप अपने मन से कोई भी गन चाहोगे तो यहां पर रख सकते हो। चलो यहां पर मैंने ये सब हटा दिया, एक ही रहने देता हूं ब्रदर, एक ही यहां पर रहने दिया। आप लोग यहां पर से रेट भी रख सकते हो, यहां पर शॉर्ट गन भी रहने देता हूं, ठीक है वुडपेकर भी यहां पर रहने देता हूं, AC-80 भी रहने देता हूं, ये सब भाई मजा आएगा मारने में। तो MP40 भी रहने देता हूं, यहां पर
AWM8 2 भी हटा देता हूँ, AWM भी यहाँ पर हटा देता हूँ, मतलब अपने मन से डिसाइड से। एंड आप ग्रेनेड भी हटा सकते हो मेरे भाई, ग्लूबल यहाँ पर मत हटाना, नहीं तो मेरे भाई ग्लूबल ही गेम में नहीं आएगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर अब देखो नीचे आओगे, यहाँ पर वेस्ट भी अपने नाम से और हेलमेट भी, रिपेयर किट भी यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर डेट रख सकते हो। अब मेरे को ग्रेनेड हटाना है, ये हटाना है, स्मोक ग्रेनेड हटाना है, तो मैं ये सबसे क्या करता हूँ, ग्रेनेड हटा देता हूँ। देखना अभी गेम में ग्रेनेड नहीं आएगा। मशरूम यहाँ पर रहने देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर सारा चीज कर लिया। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ पर समझाया, आप अपने आप एक बार ही सेटिंग करोगे अनलिमिटेड में, बार बार आप लोग खेलते रहोगे लगातार। तो अब मैं क्या करूंगा, नीचे से कंफर्म कर दूंगा, जैसे मैं मान लेता हूँ कंफर्म कर दिया। अगर आपसे धोखा से कस्टम गलती हो जाता है मेरे भाई, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक है, तो मेरे भाई यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर से आप लोग फिर से एडिट कर सकते हो। एडिट उडिट करके जैसे मेरे को पासवर्ड नहीं रखना है तो मैं पासवर्ड यहाँ पर हटा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो मैं यहाँ पर एडिट करके दिखाया, एडिट करने के बाद यहाँ पर बंदे आएंगे एंड आप लोग यहाँ पर से स्टार्ट कर देते हो। जैसे मेरे भाई अभी मैं किसी को यहाँ पर से बुला लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, अभी मैं क्या करता हूँ किसी को भी यहाँ पर बुला लेता हूँ। जैसे मेरे भाई यहाँ पर किसी को भी मैं यहाँ पर बुला लिया, बुलाने के बाद मेरे भाई अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर से स्टार्ट कर देता हूँ एक्सप्लेन के लिए। स्टार्ट करने के बाद मेरे भाई अभी मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ, मेरे पास सब चीज आया कि नहीं आया यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। जैसे ये अभी जैसे यहाँ पर ये देख पा रहा हूँ यहाँ पर कस्टम स्टार्ट हो चुका है। कस्टम स्टार्ट होने के बाद मेरे भाई अभी देखना यहाँ पर जो चीज मैंने सिलेक्ट किया होगा ना मेरे भाई, वही चीज यहाँ पर शो होगा। जैसे आप इसके पे देखो, मैंने डेजर्ट ईगल किया, MP5 किया, AK किया, शॉर्ट गन किया, यहाँ पर जो जो मैंने गन सिलेक्ट किया वही देखो यहाँ पर ग्रेनेड आया। मतलब मैंने अपने मर्जी से जो सिलेक्ट किया वही चीज आया, और जो मैंने रेट सिलेक्ट किया वही चीज आया। और मेरे भाई अभी देखना मैं अनलिमिटेड है मेरे भाई, यहाँ पर देखो अनलिमिटेड है मेरे भाई, और यहाँ पर ग्लोबल भी अनलिमिटेड है मेरे भाई, है ना भाई, सब चीज यहाँ पर अनलिमिटेड है मेरे भाई। कोई चीटिंग करने वाला मेरे भाई इसमें कोई बात ही नहीं है। आई होप कि गाइस अब आप लोग यहाँ पर कस्टम के बारे में पूरा डेडिकेटेड समझ गए। जो भी क्वेश्चन है भाई मेरे भाई तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है आपका भाई जो भी वीडियो अपलोड करता है नए बंदे के लिए भी एंड ओल्ड बंदे के लिए भी पूरा डेडिकेट के साथ। आई होप कि आप सब नए तरीका से कस्टम बनाने सीख गए होंगे एंड आपको पूरा डेडिकेट के साथ समझ गए होंगे। डेजर्ट ईगल लेकर, MP40 स्पेशल लेकर, मतलब कौन कौन सा गन हम स्पेशल लेकर खेल सकते हैं, मतलब पूरा डिटेल के साथ समझ में आ गया। अगर समझ में आ रहा है ना ये वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल करें। साथ में अगर आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हो, सारा व्हाट्सएप यूज करते हो, तो भाई वहां पर जो भी रेडियम कोड होता है या कुछ भी होता है ना ब्रदर, वहां पर मैं पोस्ट कर देता हूं अपकमिंग इवेंट टिप्स एंड ट्रिक। मैं बता रहा हूं भाई, रियल इंफॉर्मेशन है, कोई भी इंस्टा पर फेक प्रमोशन नहीं होता है। तो जाकर व्हाट्सएप पर फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का मिल जाएगा, फेसबुक पेज का मिल जाएगा, जहां आप चलाते हो आप जाकर वहां पर फॉलो कर सकते हो। आई होप कि आपको कस्टम रिलेटेड पूरा डेटिकेट के साथ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो इंटरेस्ट लग रहा है तो दोनों वीडियो आप सब जो स्क्रीन में देख पा रहे हो, इस दोनों पर वीडियो पर क्लिक करके किसी पर भी वीडियो समझ सकते हो। चलो मजेदार वीडियो में, टाटा बाय बाय।